जिला चंदौली 380 विधानसभा से प्रत्याशी संतोष कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने पर लड़ेंगे चुनाव। जिला चंदौली 380 विधानसभा पंडित दीनदयाल ने एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने पर ही लड़ूंगा चुनाव। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पेपरों में मेरा गलत खबर जाने से मैं टीवी इंडिया 18 के सहारे से पूरी बात चंदौली में कहना चाहता हूँ कि चंदौली जनपद में यह बात बताना चाहता हूँ कि जब तक मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तब तक 380 विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पार्टी का बहुत पुराना सिपाही हूँ, इसलिए मैं अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहता। वहीं पर उनके समर्थकों का यह भी कहना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैहर के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जिला चंदौली से ब्यूरो चीफ याशकिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार गुप्ता, विधानसभा 380 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय से भारतीय जनता पार्टी का एक आवेदक हूं विधानसभा लड़ने के लिए। मुझे सुबह एक सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोग बता रहे थे कि पेपर में संतोष जी आपका नाम आया है कि आप वहां से नामांकन फॉर्म ले आए हैं और जो है कि आप निर्दल लड़ना चाहते हैं। मुझे कोई व्यक्ति एक बात बता दे कि जिस पार्टी से मैं इतने दिनों से लगा हूँ और धुआंधार प्रचार कर रहा हूँ, प्रबल दावेदारी है मेरी, क्या मैं ऐसी उदंडता, क्या मैं ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता हूँ? एक भी बुद्धिमान व्यक्ति बता दे। ये विरोधियों की चाल है, जो मुझसे फ्रंट पे नहीं लड़ पा रहे हैं तो पीछे से लड़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि संतोष कुमार गुप्ता किसी भी तरीके से टिकट ना मिले, ये विरोधी चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी डीएम कार्यालय में जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, एक कोई पदाधिकारी है आपके देवी प्रसाद जी, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना संतोष जी आपके नाम पे नहीं दी गई है न्यूज़ को। तो मैं पुनः उन्हें सचेत और उन्हें सतर्क कर देना चाहता हूँ, जो विरोधी हैं या जो पेपर न्यूज़ या मीडिया न्यूज़ वाले हैं, कि ऐसी अगर निराधार सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा और उनके ऊपर मैं केस करूँगा। मैं पुनः आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सच्चा सिपाही, एक स्वयंसेवक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान एक सदस्य हूँ। मैं इनके बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकता। निर्दल लड़ने की तो बहुत दूर की बात है। साथियों, पुनः इस खबर का मैं खंडन करता हूँ और जिन्होंने ये जाने अनजाने में गलती करी है इसका वो भोगेंगे भुगतान। और मैं अभी डीएम कार्यालय जा रहा हूँ पता करने के लिए, नहीं तो फिर मैं इनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। नमस्कार साथियों।